जय जगन्नाथ। भुवनेवाल आदमी आउ एक नुआ एवं सुंदर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आशुतोष वर्तमान आज आम आँचे जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत प्रसिद्ध शैवपीठ बाबा गोरेखनाथ पीठ से। यह पीठ हूँ विभूति क्षेत्र। ये क्षेत्र महिमा अवर्णनीय। बाबा विभूति रही असीम रोग शोक दुख नाशकारी शक्ति। बाबा उपर विश्वास रखी कहीं केत आड़ भक्त मैंने धाई आस प्रत्यह बाबा निकट को। तो चलतु एवं जीवा बाबा सुंदर भव्य मंदिर दर्शन करवा। बाबा दर्शन करवा ता छड़ा जानिबा ए क्षेत्र विषय किछि कथा। प्रथम चलंतु एबे बाबांकर दर्शन करिबा। प्रथम रूम कहिछि ए होछि विभूति क्षेत्र। विभूति क्षेत्र बाबांकर एठिकार लीला को नहीं एक रही एक विशेष किंवदंती एक रोचक तथ्य। ये किंवदंती हूँ या कि बाबा ये केमती प्रतिष्ठा हेले। दिनकर घटना कौन है जे बाबा थे बाबा ना हूँ मत्स्येन्द्रनाथ। बाबा मत्स्येन्द्रनाथ भिक्षा वृत्ति कर जे त्रिकालदर्शी बाबा थे। भिक्षा वृत्ति से दिने गोटे ग्राम पहुँचिले। से ग्राम से जे स्त्रीलोक को भिक्षा मागिया बेले से स्त्रीलोक कांदी पकेले एवं कहिले बाबा आउ मु देई परिबिनि भिक्षा कारण मु अपुत्रिक आउ अपुत्रिकर मुह चाहिले पाप होइथाय तेणु मु आपनको भिक्षा देई परिबिनि। से स्त्रीलोक जनकर नाम अहल्या। से ब्राह्मण घरर थिले। बाबा तांको दुख देखि किछि विभूति देई कहिले मा ए विभूति को तुमे पाइ दियो तुमर पुत्र संतान प्राप्त हो। या कहि बाबा सेठारु चली गले। बाबा गलापर ग्रामर साईपड़सा लोक मैंने कथा को नहीं ताहीटपरा विभिन्न प्रकार अट्टहास्य कले जे बाबा विभूति कौन एमती शक्ति अच्छी जे पिला हम ये कथा को नहीं विभिन्न प्रकार ताहीटपरा कले। गाँ लोक ताहीटपरा सही नपारी अहल्या देवी कौन कले ना से विभूति को लेकिन निज बारिकी थ गोबर गदारे पकईदे एवं घर को चली आसे। यही भितर बार वर्ष बीतीगला। बार वर्ष पर बाबा मत्स्येन्द्रनाथ जितेबाला पुणी से ग्राम को आसिले एवं से स्त्रीलोक घर को आसिले एवं भिक्षा मागिले से समय रे से अहल्या माँ कहले बाबा मोर तो पुत्र संतान ना कि पिलापिली किसी ना आहेतु मोर पिलापिली ना संतान सतति मोर कहीं ना तो मुझे भिक्षा दे पारि ना एवं कांदी पकेले। यह देखि बाबा कहले माँ मु तुमको बार वर्ष तले विभूति को तुम्हें पाईना कि से अहल्यादेवी कही नाई बाबा आपण दे विभूति को पाईना आउ लोकंर टाइट परा यह कथा शुणी मुझे निजर बारी पाखे गोबर गदारे पकईदे। बाबा कहले त्रिकालदर्शी बाबा आखि बुझी जापारे निहाती कौन हो घटना तापर से अहल्यादेवी को सांगे नहीं से खतगदा पाखु आस गोबर गदा पाखक आसी जितेबले से कमंडल या पवित्र पुण्यवंत जल स्पर्श कले से जगार कि समय कौन है से गोबर गदार एक बार वर्ष पुत्र सतान उठी आस। यह देखि समस्ते आश्चर्य से होती बाबा गोरेखनाथ। बाबा गोरेखनाथ बड़ है बार वर्षर पुत्र जिते बड़ हेले से बाघ छाल द्वारा यही स्थान में बाघ छाल उपर बस सर्प मान गहण से साधना कर तो से हूँ बाबा गोरेखनाथ कहानी आप शुणिले। आ क्षेत्र रोच विभूति ए विभूति ये गोटे अखंड ध्वनि जो से ध्वनि कि विभूति उत्पन्न होता है। ये विभूतिर महिमा कौन बा कह सर्पाघात रोगी माने जेउठी साइंस फेल मारुची से जगार बाबा महिमा रुकनी विभूति पाइकनी सापर विष मध्य पानी फिटी जाए। आउ ये जगह आप देखुं विभिन्न प्रकार मान बरगछ द्वारा बड़ बड़ बरगछ द्वारा ये स्थान आवृत अति सुंदर एवं भव्य जगटी शीतल ये जब आप आसवे निश्चित भाव आपको बहुत भल लगे। ये बरगछ तले देख सब रेड कलर सब दिखाई चारिकर बुले दिखाई भक्त मैंने न बसाप कारण ये बरगछ में बहुत परिमाण में साप था जेहेतु बाबा साप मान गहन कि साधना करुले।
ଯେହେତୁ ବାବା ସାପମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାପ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବସିବା ବା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା। ଏ ଜାଗାରେ କେହି ଗଛ ମୂଳରେ ନ ବସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ି ଭାର ଧରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ସର୍ପାଘାତ ରୋଗୀ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷାକାରୀ ବାବା ଗୋରଖନାଥ। ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥାଏ ତ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ଯଦି ଗୋଳେଇକି ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବଂଶର ରକ୍ଷାକାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋରଖନାଥ। ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଗୋବଂଶର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସର୍ପାଘାତ ରୋଗୀ ପାଇଁ ତ କହିଲି ଯେ ବିଷ ଏଠି ପାଣି ହୋଇଯାଏ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷର ପ୍ରକୋପ ରହିନଥାଏ। ଏହି ବିଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟରେ ରହିଛି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରେ, ଆପଣ ଡାହାଣ କରକୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲାପରେ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବୁଲାଇବା ସହିତ ଏ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।